शहर को सेहत और सफाई का संदेश देने के लिए रविवार को हिंदुस्तान ने डब्लोथन का आयोजन किया। डब्लोथन को लेकर पूरे शहर में भारी उत्साह देखने को मिला। स्टेडियम में 2000 से ज्यादा लोगों ने साइकिल रेस के साथ ही मैराथन में भी भाग लिया। जबरदस्त उत्साह के बीच प्रतिभागियों ने रेस पूरी की और सड़क के दोनों ओर खड़े दर्शकों ने उनका उत्साह भी बढ़ाया और इसी के साथ ही साथ विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। आप जरा आइए, ऊपर आइए, प्लीज आइए, ताली बजाइए इनके लिए, देखिए क्या जोश है, आइए आपके साथ। ये मैम आपके साथ खड़े थे, इनको इसलिए ऊपर बुलाना पड़ा, ये बहुत अच्छा कर रहे थे। नमस्कार, हिंदुस्तान डब्लोथन का आगाज हो चुका है। सबसे पहले साइकिल सवारों की रैली निकाली गई, उसके बाद बरेली की सड़क पर दौड़ शुरू हो गई। हेल्थ के साथ साथ आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सहयोग होता है। जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, एथलेटिक्स के हो चाहे फील्ड गेम्स के हो, ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफी सहयोग करते हैं। आपको बहुत सारी स्किल्स इसमें सीखने को मिलती है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या ऑर्गेनाइजिंग स्किल हो, रिसोर्स मैनेजमेंट हो, तमाम चीजें आप इससे सीखते हैं। मैं सभी पेरेंट्स जो बच्चों के आए हैं जिन्होंने इनको एनकरेज किया इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको भी मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम और ज़्यादा निखरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे और निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा सकारात्मक मैसेज सोसाइटी में जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसे इवेंट्स में हर वर्ग के व्यक्ति को अपना सहयोग भी देना चाहिए। मैं एक बार पुनः हिंदुस्तान को और जो भी आज इस स्टेडियम में है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह से जुड़े हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स हों या अदर सपोर्ट जो एजेंसीज हैं, उन सबको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर, शुक्रिया। हमारे विशिष्ट अतिथि विशिष्ट अतिथिगणों ने आकर हम